आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी गेहूं के आटे और कच्चे आलू से बना एकदम नए नाश्ते की रेसिपी। बहुत ही कम समय में ये बनकर तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम इसके लिए आटा लगाएंगे। तो एक बोल में मैंने एक कप गेहूं का आटा लिया है। इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च, एक छोटा चम्मच हाथों से क्रश करके डालेंगे अजवाइन, आधा छोटा चम्मच नमक डालेंगे, एक चम्मच डालेंगे इसमें तेल। तेल डालने से ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका डो बना के तैयार कर लेंगे। आटे का डो हमें थोड़ा सख्त ही लगाना है, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसे रेस्ट के लिए ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। दो कच्चे आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब इसे हम 2-3 पानी से अच्छे से धो लेंगे। इसके बाद हम इसे छान के इसका पूरा पानी निकाल लेंगे। इसमें हम डालेंगे बारीक कटे हुए शिमला मिर्च, घिसा हुआ गाजर, एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज, इसमें आधा छोटा चम्मच नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। इस तरह से सब्जियां पानी छोड़ देंगी और ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। आप अपने मनपसंद की कोई भी सब्जियां इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। अब 10 मिनट के बाद देखिए सब्जियां नरम पड़ गई हैं। अब इसे हम हाथों से अच्छे से निचोड़ के इसका पूरा पानी निकाल लेंगे। इसका जो पानी बचा है उसे हमें फेंकना नहीं है। इसका इस्तेमाल आप आटा गूंदने में या सब्जी के ग्रेवी में यूज कर सकते हैं। तो इसका पानी मैंने पूरे अच्छे से निचोड़ लिया है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया और हरी मिर्च, आधा छोटा चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे। नमक हमने पहले भी ऐड किया है तो नमक आप अपने हिसाब से डालें। अब इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे। तो 2 छोटा चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 चम्मच गरम मसाला का पाउडर, 1 छोटा चम्मच आमचूर का पाउडर। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। अब यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं, आटा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसे एक बार फिर से अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद हम इसके 2 बड़े लोई बना लेंगे। अब लोई को हम सूखे आटे में लपेट के इसकी पतली सी एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। अब इसके ऊपर हम सब्जियों वाली स्टफिंग डाल देंगे और इसे पूरी रोटी के ऊपर अच्छे से फैला लेंगे। सब्जियों को अच्छे से फैलाने के बाद हम इसे रोल कर लेंगे ऐसे दबाते हुए। किनारों की तरफ हम इसे अच्छे से दबा देंगे ताकि इसकी जो स्टफिंग है वो निकले नहीं। रोल करने के बाद हम इसे 2 टुकड़ों में कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम इसे स्टीम करेंगे। तो पानी को मैंने पहले से ही गर्म होने रखा था। अब इसमें हम एक एक करके रोल डाल देंगे और इसका ढक्कन लगा के हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। अब 15 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छे से स्टीम हो गए हैं,
ये आप देख सकते हैं। अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। आप इसे बिना फ्राई किए हुए भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये खाने में और हेल्दी भी हैं क्योंकि हमने इसे डीप फ्राई नहीं किया है। अगर आपको इसे फ्राई करके खाना है तो इसके लिए हम एक घोल बना के तैयार करेंगे। आधा कप मैदा लेंगे, अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका पतला सा घोल बना के तैयार करेंगे। मैदे के घोल में डिप करके फ्राई करने से ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। इसमें हम एक छोटा चम्मच डालेंगे चिली फ्लेक्स और इसे मिला लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके का घोल हमें बना के तैयार करना है। अब ये रोल लेंगे और इसे मैदे में अच्छे से डिप करेंगे, इसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। पैन में मैंने 3 से 4 चम्मच तेल डाला है, तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। इसके बाद हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अब पैन में एक एक करके हम सारे रोल डाल देंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, एक तरफ से गोल्डन कलर आ जाने के बाद हम इसे दूसरी तरफ पलट देंगे। उलट पुलट के हम इसे गोल्डन कलर आने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो चारों तरफ से गोल्डन कलर आने तक मैंने इसे अच्छे से पका लिया है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। गेहूं के आटे और कच्चे आलू से बना बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें टमाटो केचप के साथ या फिर इसे ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें। रेसिपी कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।